हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्यूटोरियल्स गुरु में। मेरा नाम आकाश कुमार है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएमडी के सिक्स्थ ट्यूटोरियल, जिसमें हम सीखेंगे पाथ वेरिएबल। तो व्हाट इज दिस पाथ वेरिएबल? पाथ वेरिएबल होता क्या है? तो पाथ वेरिएबल किसी भी लोकेशन को डिनोट करता है, तो ये लोकेशन से मिलता जुलता होता है। तो ये सीएमडी के अंदर इसका क्या रोल होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं? तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रिलेटिव पाथ, दूसरा होता है एब्सोल्यूट पाथ। तो हम इन दोनों के एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे इनके यूजेस। तो हम चलते हैं अपने सीएमडी में। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बहुत ही अच्छी एक ट्रिक बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल आएगी। अगर आप सीएमडी को पसंद करते हैं या फिर आप सीएमडी में कुछ भी काम करते हैं तो आपको नहीं पता, तो आपके लिए वो टिप बहुत ज़्यादा काम की होगी। एक ट्रिक है, वो एक टिप नहीं एक ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो अभी हम चलते हैं अपने सीएमडी में। तो आप जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये हमारी पेरेंट डायरेक्टरी है। तो अभी यहाँ पर हम पहले सीख लेते हैं रिलेटिव पाथ। तो अभी हम यहाँ पे कमांड डालते हैं सीडी डेस्कटॉप। तो सीडी डेस्कटॉप रिलेटिव पाथ है, ये रिलेट करती है हमारे डेस्कटॉप से। आप खुद ही समझ सकते हैं इसके नाम से, रिलेटिव मीन्स रिलेट करना, किसी भी चीज़ से रिलेट करना। तो ये सीडी डेस्कटॉप रिलेट करती है हमारे डेस्कटॉप से, और यही डेस्कटॉप हमारे रिलेट करता है हमारे आकाश कुमार से। तो आकाश कुमार रिलेट करता है यूजर्स से, और यूजर्स रिलेट करता है लोकल डिस्क सी से। तो ये इसमें एक रिलेशन क्रिएट कर देता है। तो ये पहला जो हमारा जो पाथ होती है इसे कहते हैं हम रिलेटिव पाथ। तो मैं एंटर प्रेस करेंगे तो अभी हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं, अभी हम डेस्कटॉप की डायरेक्टरी पर हैं। तो अभी मैं इसका आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए भी मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में जाता हूँ अपनी सीएमडी ट्यूटोरियल्स के फोल्डर में, या फिर हम कह सकते हैं सीएमडी ट्यूटोरियल्स की डायरेक्टरी में। हम एंटर प्रेस करेंगे तो अभी हम सीएमडी ट्यूटोरियल्स की डायरेक्टरी में आ चुके हैं। तो ये सीएमडी ट्यूटोरियल्स रिलेट करती है डेस्कटॉप को, तो ये एक रिलेटिव एक कनेक्शन बना देता है रिलेशन का। तो ये हमारी होती है पहली हमारी पाथ होती है जिसे हम कहते हैं रिलेटिव पाथ। तो अभी हमारी अब दूसरी पाथ पे चलते हैं। तो पहले हम एक बार क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को। तो अभी हम दूसरी पाथ पे चलते हैं, वो होती है एब्सोल्यूट पाथ। तो मैं आपको बता दूं, एब्सोल्यूट पाथ एक बिल्कुल ही डायरेक्ट पाथ होती है, आप इसे कह सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरी पाथ की जो भी हम कह सकते हैं पूरी पाथ को टाइप करना पड़ेगा जब ही ये आप इसे ओपन कर पाएंगे। क्योंकि जो ये रिलेटिव पाथ होती है इसमें तो आप पहले सी में जाएंगे, फिर यूजर्स में, फिर आकाश कुमार, फिर डेस्कटॉप, फिर सीएमडी ट्यूटोरियल्स। पर हम जो ये एब्सोल्यूट पाथ है इसकी मदद से हम पूरी इसको हम एक ही कमांड में जा सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं? तो उसके लिए मैं पहले एक बार आप बैक जाना चाहूंगा अपनी पेरेंट डायरेक्टरी में। तो अभी हम यहाँ से बैक चले जाते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपनी लोकल डिस्क सी के अंदर। तो अभी यहाँ से अभी हम जाना चाहेंगे अपने किसी भी प्रोग्राम फाइल्स में और किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। चलो मान लेते हैं ऐसा अपन, तो हम पहले डालेंगे सी डी का आपको जैसे मैंने बताई रखा है चेंज डायरेक्टरी। इसके बाद में हमें यहाँ पर डालना है अपना लोकल डिस्क सी, उसके बाद में हमको लगाना है स्लैश, उसके बाद में हम टैब प्रेस करेंगे। टैब का मैंने आपको मीन्स बताई रखा है, टैब से जितनी भी आपके में डायरेक्टरीज होती हैं वो आपको एक एक करके सारी मिल जाएंगी इसमें, अगर आप टाइप नहीं करना चाहते या फिर आपको नाम अच्छे से नहीं पता। तो मैं ऐसे प्रोग्राम फाइल्स में जाना चाहेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ से स्पेस है, तो यहाँ प्रोग्राम फाइल्स के यहाँ पर साइड में डबल कुटोज हैं। इसका मीन्स होता है कि जो ये हमारा सीएमडी समझ सके कि ये डबल कुटोज का मीन्स होता है कि जो भी ये स्पेस होता है फोल्डर के नेम में उसको ये एक ही फोल्डर समझे, वरना ये इसको दो समझ लेता है। क्योंकि मैंने आपको इससे पहली वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था अपने सीएमडी के फिफ्थ ट्यूटोरियल के अंदर, तो उसके अंदर भी ऐसा कुछ था जिसमें हम क्रिएट कर सकते थे डायरेक्टरी वगैरह। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था इसका फायदा क्या होता है, उसके मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया था। तो आप मेरी वो वीडियो देख लें, उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी हम यहाँ से अभी हमको पूरी एक ही हम कह सकते हैं हमको एक पूरी डायरेक्ट पाथ डालनी है, हमको पूरा डालना है इसमें। तो अभी हम यहाँ से अभी हम जैसे कि सी प्रोग्राम फाइल्स में आ गए, अभी हम डालेंगे यहाँ पे, अभी हम प्रोग्राम फाइल्स में जाना चाहेंगे, चलो मान लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्पार्कल में चले जाते हैं। चलो इसके अंदर हम दोबारा स्लैश लगाएंगे, अभी देख लेते हैं इसके अंदर कोई और भी फाइल है या नहीं। तो इसके अंदर जैसी हमें फाइल्स चाहिए वैसी नहीं है, तो हम इसको अभी यहाँ से बैक कर देंगे। ये स्पार्कल एक डायरेक्टरी है, तो अभी हम यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे। तो अभी हमने जैसे ही एंटर प्रेस किया हम सीधे एक डायरेक्टरी में आ चुके हैं जो है सी प्रोग्राम फाइल्स स्पार्कल। मीन्स हमने इसमें कोई भी पहले हमने ऐसा नहीं किया, हमने पहले सी में गए फिर प्रोग्राम फाइल्स में गए फिर स्पार्कल में गए, हम सीधे स्पार्कल में आ चुके हैं। अब यहाँ से हम इसकी डायरेक्टरीज भी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक ही डायरेक्टरी है,
स्पार्क और वीडियो स्क्रैप, बाकी तो ये जो कि हिडन फाइल्स होती हैं वो हैं, वो उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अभी हम इसको स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। तो अभी मैं आपको एक कमांड बता रहा हूँ, पाथ। अगर आप पाथ करके, पहले हम एक बार अपनी लोकल डिस्क सी में चढ़ जाते हैं, हम यहाँ से अपने लोकल डिस्क सी में जाएंगे। अब यहाँ पे हम डालते हैं एक पाथ। अब पाथ हमने कमांड जैसे ही डाली है तो यहाँ पे कुछ ये पाथ आ रहा है हमारा। ये पाथ हमारी जो विंडो क्रिएट करती है वो होता है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ अपने जीयूआई, जिसे हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर। तो अभी आपने देखा होगा जैसे कि यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स विंडरार ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो अभी हम इसको चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम अपने माय कंप्यूटर पे आपको प्रॉपर्टीज में जाना है, आपको कंप्यूटर के अपने की प्रॉपर्टीज में जाना है, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करना है। तो उसके बाद में आपको, जब आपकी एडवांस सिस्टम सेटिंग खुल जाएगी, उसके बाद में आपको एनवायरमेंटल वेरिएबल्स पे जाना है। तो यहाँ पे आपका जो ये पाथ का नाम का जो ये हमने वेरिएबल क्रिएट करा है ये नहीं होगा, ये मैंने खुद ने क्रिएट करा है, हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अभी हम एक बार चेक करते हैं पाथ से क्या आ रहा है। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से दिखा रहा हूँ लाइव, मैं यहाँ पे कोई भी कुछ भी चेंज नहीं किया है मैंने इसके अंदर। तो अभी हम एक काम करते हैं, इस सीएमडी को अपने को बंद कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे। अभी हमारी वो सेटिंग्स चेंज हो चुकी हैं, तो अभी हम अपना सीएमडी दोबारा खोल लेते हैं। अभी चेक करते हैं कि पाथ से अब कौन सी जो मैं डायरेक्टरी या फिर हम कह सकते हैं पाथ कौन सा ओपन हो रहा है। तो अभी जो ये पाथ ओपन हो रहा है, पहले यहाँ पे विंडरार था, मैं आपने देखा होगा, पर यहाँ पे चेंज हो चुका है, क्योंकि अभी जो पाथ है वो इस टाइम का है, जो कि ये विंडोज की फाइल्स होती हैं, ये अपने आप ही इनका जो कह सकते हैं हम, जो इनका ओरिजिनल होता है वो पाथ है। इसको हम चेंज कैसे करें, तो उसके लिए आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, आपको वेरिएबल का नेम डालना है। हम यहाँ पे नेम डाल देंगे इसका पाथ, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी नेम डाल सकते हैं। वेरिएबल को वैल्यू आपको कैसे चूज करनी है उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ अभी। तो अभी हम चलते हैं एक बार अपने कंप्यूटर में। अभी हमको लोअर सी के अंदर जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स में। अभी मान लीजिए हमको यहाँ पर खोलना है, तो विंडरार भी चूज कर लेते हैं अपन। तो हम यहाँ से इस पूरी डायरेक्टरी को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जब हम अगर ओके कर देते हैं तो हम इसको सेव भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, ये अब सेव हो चुका है। अभी हम यहाँ पे पास डाल के देखते हैं। तो अभी यहाँ पे इसको एक बार बंद करना पड़ता है, जैसे कि दोबारा से हम ओपन कर लेते हैं इसको। अब पास डालेंगे हम यहाँ पे, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आखिर में ये विंडरार की डायरेक्टरी आ चुकी है। तो इसका फायदा क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमने ये ऐड तो कर लिया यहाँ पे, आप यहाँ से, मैंने तो सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे सिर्फ एक ही दिखाई है विंडरार को ऐड करके, आप यहाँ से आप जितनी चाहें उतनी ऐड कर सकते हैं। अभी पहले वाले मेरे पावर ऐसे वो बहुत सारी डायरेक्टरीज थी, पर अभी मैंने सिर्फ विंडरार को ऐड करा है इस पाथ में। तो अभी हमने इसको एक बार ओपन करके देखा ओपन होता है या नहीं। हमने एंटर जैसे ही प्रेस किया तो ये ओपन हो चुका है बिल्कुल आसान तरीके से, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला है। ये ओपन कैसे हुआ है, हमने यहाँ पे इसे अपनी पाथ में इसको बाय डिफॉल्ट ऐड कर दिया है। तो हम किसी भी डायरेक्टरी से अगर विंडरार डालेंगे ये ही ओपन हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा अब तक कि पाथ होता क्या है और इसको इसके फायदे क्या है। मींस आप किसी भी डायरेक्टरी से अपने जो भी हमने आपने पाथ चूज कर रखा है उसको आप ओपन कर सकते हैं या उसकी डायरेक्टरीज को चेक कर सकते हैं। तो भी जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं अपने आखिर में आपको एक ट्रिक बताऊंगा, तो ट्रिक को मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक कुछ ऐसी है, जैसे कि जो हमारी एब्सोल्यूट पाथ होती है उसे दूसरे तरीके से कैसे बंद किया जाए। अभी हम यहाँ पे अपने में गेम्स में जाते हैं, तो आप जो आपकी पाथ है ना, इसके बारे में चलो मैं आपको कोई लंबी में चले जाते हैं, इसमें जाते हैं अपन। तो ये पाथ है अपनी, यहाँ पे अगर आप सीएमडी डालेंगे और एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप सीधे उसी पाथ में पहुंच जाएंगे। ये हमारी एब्सोल्यूट पाथ की तरीके से पहुंचे हैं हम, ई भक्ति सॉन्ग भक्ति, आप बहुत ही आसान तरीके से इस जगह पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमने कोई भी कमांड नहीं डाली, हमने सीधा जो ऊपर हमारी डायरेक्टरी होती है वहां पर हमने सीएमडी टाइप करके एंटर प्रेस किया, तो हमारी सीएमडी के अंदर यही पाथ ओपन हो चुकी है। तो आपको ये ट्रिक, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी ट्रिक, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। अगर आप ज्यादा लंबे कमांड नहीं डाल सके तो आप सिंपल सा किसी भी अपने जीयूआई, जिसे हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उधर जाइए ऊपर डायरेक्टरी में सीएमडी टाइप करके ओपन कर लीजिए, आपको पूरी डायरेक्टरी ओपन मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में हम क्या बात करेंगे उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइव्स के बारे में, और उसके आखिर में भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की है, आप उससे सीख पाएंगे अपनी सीएमडी को कस्टमाइज कैसे करते हैं। तो अगली वीडियो में जैसे कि हम ड्राइव्स के बारे में बात करेंगे, जो हमारी होती है लोकल डिस्क सी डी ई, इनके बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियो रोजाना लाते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। तो धन्यवाद, देखते रहिए ट्यूटोरियल्स गुरु।